यकीनन मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल जैकब लाइन से थी, जहाँ से मैंने मैट्रिक किया, फिर क्वेटा चला गया स्पेशल हाई स्कूल, देन फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की, और उसके बाद मैं फिर प्राइवेटली ड्यूरिंग द ट्रेनिंग गवर्नमेंट कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद दो साल की ट्रेनिंग पे बेला बैटफोर्ड बेला कंपनी थी, वहाँ दो साल की ट्रेनिंग थी पैको की तरफ से, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन PACO। उसके बाद फिर जापान और फिर ज्वाइन फिर पाक सुजुकी और फिर इस तरह घूमते रहे। तकरीबन 2006 के अंदर पाक सुजुकी से आफ्टर साने दश्ता पार के रिजाइन किया, क्योंकि जिम्मेदारी दी गई तो मैं समझता था कि उस वक्त तक आपकी जॉब थी वहाँ। जी 2006 में मैंने रिजाइन किया, और सलीम भाई की बड़ी ख्वाहिशों में से ख्वाहिश ये थी कि सर्वर जो है ना हमारे बाजू बनकर मरकज पे बैठे और काम फुल फ्लैश आ जाए, मैं उनसे कहा दाल रोटी चलने दें थोड़ी सी है ना, फिर मैं तंजीम पे या मसलक या दीन के कामों में ना बोझ नहीं बनना चाहता किसी का। मैं अपने मेरे माँ बाप ने मेरे वालिद को मैंने देखा है, वो 17 ग्रेड क्लास 1 ऑफिसर थे AG सिंध के अंदर, लेकिन जिंदगी भर उन्होंने एक कमरे में हमने जिंदगी गुजारी है हाफिज साहब यकीन माने, और हराम की तरफ ना रुख भी उन्होंने नहीं दिया। अक्सर मैं उनसे एक जिद करता था, मैंने कहा बाबा जान मुझे ना शौक है एंडोरो का मोटर, एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल का, तो मेरे वालिद ने कहा बेटा मेरी अभी तनख्वाह में तो गुंजाइश नहीं है, चलिए करते हैं, तो कहने मेरे रिटायरमेंट का इंतजार करो, और फिर उन्होंने मेरी ख्वाहिश पूरी की, मुझे इंडोरो दिलाई। अच्छा। और अपनी रिटायरमेंट के बाद पेंशन से तनख्वाह जो रिटायरमेंट में पैसे मिले। यह है कि सफर बड़ा सख्त रहा शुरू से ही, बुजुर्गों की सोहबत रही, अल्लाह ने शुरू से ही दीन की तरफ मायल रखा। इतनी बड़ी तालीम लेने के बाद, दुनिया के चक्कर लगाने के बाद, इंग्लैंड जापान होने के बाद, सब कुछ करने के बाद, लेकिन वालदेन की तरबियत तो कहते हैं सोबत, तो वो उसने अल्लाह ताला ने बहुत बुराइयों से बचा के रखा। माशाल्लाह माशाल्लाह।